बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2^121 - 2^120 = 8^m। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2^121 को लिख देंगे 120+1 -2^120 = 8^m। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो रूल क्या है कि a^m + n वो बराबर होता है a^m × a^n के। तो इनको इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 2^120 × 2^1 -2^120 = 8^m। इसके बाद क्या करेंगे, 2^120 ये वाला 2^120 ये दोनों ही इनको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2^1 - 1 = 8 को लिख देंगे 2^3 / m। इसके बाद क्या करेंगे, 2^120 = 2^1 किसके बराबर है, 2 के - 1 = इनको लिख देंगे 2^3 m। इसके बाद यहाँ जाएगा 2^120, इनसे क्या था 1 इन दोनों से = 2^m। इसके बाद यहाँ जाएगा 2^120 = 2^3 m। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो रूल क्या है, a^m / a^n वो बराबर होता है m = n के। तो इन दोनों को भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 120 = 3^m। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 पर डिवाइड करेंगे, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 ones are 3, 3 40s are 120। तो यहाँ 40 = m, तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी m = 40। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास m की वैल्यू आ गई 40।